एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सबका स्वागत है हेल्दी ट्रीट्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं कोल्हापुरी बैंगन मसाला। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बैंगन को कैसे कट करना है। यहाँ पे मैंने 7-8 बैंगन लिए हैं। सबसे पहले मैंने बैंगन के सब जो कांटे होते हैं उसको मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैंने बैंगन को इस तरह से कट करके लिया है। इस तरह से मैंने 2 कट इस पे लगाए हैं, ये देखिए। इसी तरह से आपको सभी बैंगन को कट करके लेना है। अब मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया, 1/2 कटोरी कटी हुई प्याज, प्याज को मैंने लंबी लंबी ऐसे कट करके ले लिया है, 2 टेबलस्पून सूखा नारियल, 1 टेबलस्पून तिल, 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून खसखस, राई जीरा तड़के के लिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, भुनी हुई मूंगफली 1/2 कटोरी मैंने ली है, 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और मैं यहाँ पे पानी लिया है। अब चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं मसाला। पहले मैंने यहाँ पे पैन ली है। अब हम इस पैन में डालेंगे खसखस और खसखस को हमें थोड़ा सा रोस्ट करके लेना है। बस 2-3 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। गैस मैंने मीडियम और लो फ्लेम में के बीच रखी है। खसखस भून चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में तिल को भी सेक के ले लेंगे। तिल को भी हमें अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। तिल भी हमारे भून चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे नारियल, उसको भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा नारियल जो है थोड़ा सा भून चुका है, इसका देखो गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम बाकी के भी मसाले अच्छे से भून लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में 1 टेबलस्पून तेल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें थोड़ी सी लाल होने तक भूनना है। प्याज यहाँ पे थोड़ी सी लाल हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की कलियाँ। इसको भी हम अच्छे से 2-3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। इसे में हम ऐड करेंगे हरा धनिया। मसाले जब हम भून के लेते हैं ना उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, इसीलिए सभी मसाले अच्छे से भून के तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। प्याज लहसुन सब भून चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिया है भुना हुआ नारियल, तिल और खसखस। इसी में हम अब हमारा जो प्याज और लहसुन का हमने सेक के लिया है वो मिक्सचर इसमें डाल देंगे। और इसी में हम ऐड करेंगे हमारी भुनी हुई मूंगफली। सारे मसाले और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे।
अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है देखिए, और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा कि इसका थोड़ा अच्छे से पेस्ट बन जाए, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट हमें चाहिए बस। इसको अब हम इसको महीन पीस लेंगे। और ये यहाँ पे मैंने पूरा मसाला पीस लिया है, देखिए इस तरह का टेक्सचर मैंने बनाया है देखिए। तो चलिए अब हम ये मसाला भरते हैं बैंगन में। यहाँ पे लिया है बैंगन, देखिए इस तरह से हमें लेना है बैंगन को, मसाले को हमें इस तरह से इसके अंदर फिल करना है, चारों ओर से हमें इसको भर लेना है। ये देखिए देखिए, ये मैंने पूरा बैंगन में, इस बैंगन में मसाला भर लिया है। इसी तरह से आपको सभी बैंगन में मसाला भर लेना है। यहाँ पे मैंने बैंगन में मसाला भर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मसाला अभी बाकी है, तो अब हम इसे यूज करेंगे हमारे ग्रेवी में। ली है गैस, मैंने मीडियम और लो के बीच में रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, इसमें डालेंगे राई जीरा, अब इसी में हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, और अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। हल्का सा नमक आप ऊपर से डाल सकते हैं, ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है क्योंकि हमारे मसाले में ऑलरेडी नमक है, तो थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करके हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा बचा हुआ मसाला था ना, वही हमें इसमें ऐड करना है। मसाले को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। अगर आपको कलर के लिए अगर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कीजिए पानी, यहाँ पे मैंने लगभग 2-3 कटोरी पानी डाल दिया है। आप आपके आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है, और अब हम इसको ढक देंगे और बैंगन को अच्छे से पका लेंगे। आप बीच बीच में थाली को उठाकर बैंगन को हिला लीजिए ताकि ये चारों ओर से अच्छे से पक जाए। और ये यहाँ पे रेडी है हमारा कोल्हापुरी बैंगन मसाला। खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।